तो आज हम बात करेंगे योगा की ही। तो योगा हमारे लिए क्यों जरूरी है? आजकल लोग घबरा जाते हैं योग के नाम से कि इतने मुश्किल आसन कैसे करेंगे, या योग तो योगियों की कोई साधना है, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। माइंड, बॉडी और सोल को, तीनों को स्वस्थ रखने का नाम ही योग है। जिसके शरीर ने योग की अग्नि को प्राप्त कर लिया, उसको न मृत्यु होगी, न बुढ़ापा होगा, न शोक होगा, वो सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं योगा में, और इसके अलावा उन्होंने हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया है। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजाता, आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कैसे शामिल हुआ? पहले 2021 में राजस्थान से एक लड़की 21 इयर्स की, उसने पद्म बकासन में 1 मिनट 55 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया हुआ था। उसके बाद मैंने अप्लाई किया। पद्म बकासन हाथों की एक हैंड स्टैंडिंग की वेरिएशन होता है, जिसमें हाथों के ऊपर अपना पद्म आसन लगा करके होल्ड किया जाता है। उसमें मैंने 2.30 मिनट, 2.5 मिनट होल्डिंग का रिकॉर्ड बनाया है। और पहले वाले रिकॉर्ड को, जो लड़की 21 साल की थी और मैं 41 साल की उम्र में, मैंने उसको ब्रेक किया है, तो इसलिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है। और बहुत अच्छा फील होता है जब इस उम्र में हम लोग योगा के अंदर कोई अच्छा रिकॉर्ड बनाते हैं, तो अपने आप में भी बहुत अच्छी फीलिंग होती है। विजाता है, इसके लिए आपको हमारी और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आज हम बात करेंगे योगा की ही। तो योगा हमारे लिए क्यों जरूरी है? योग की परिभाषा अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना योग को। आजकल लोग घबरा जाते हैं योग के नाम से कि इतने मुश्किल आसन कैसे करेंगे, या योग तो योगियों की कोई साधना है, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो छोटी सी परिभाषा है, योगा हैज़ ए कम्प्लीट मैसेज फॉर होल ह्यूमैनिटी। इट हैज़ ए मैसेज फॉर अवर माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड, बॉडी और सोल को, तीनों को स्वस्थ रखने का नाम ही योग है। और तीनों की चिकित्सा योग द्वारा हो सकती है। मेंटेन को मेंटेन रखा जा सकता है, रोगी को निरोगी बनाया जा सकता है। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ इतने ज़्यादा हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा लोगों को। योग एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी कला है, एक ऐसी साइंस है, जिससे हम स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और बीमार शरीर को भी स्वस्थ बनाया जा सकता है इसके करने से। जब भी किसी इक्विपमेंट की, किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी औजार की, किसी विशेष जगह की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। योग बिना किसी यंत्र के, बिना किसी साधन के, हम अकेले भी रह करके इसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियाँ, कुछ विशेषताएँ, कुछ डूज डॉन्ट्स, इनका ज़रूर हमें पालन करना चाहिए। और आज के समय में मैं ये कहती हूँ कि योग के मर्चेंट्स ज़्यादा हैं, व्यापारी ज़्यादा हैं, अच्छे और सच्चे योगी बहुत कम हैं। योग और संगीत हमारे भारत की विद्या है, और अब हमसे ज़्यादा विदेशी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए अपने भारत की, अपने देश की, इस सभ्यता के ऊपर, इस कला के ऊपर, जो पूरे विश्व को केवल मात्र हमारे भारत की देन है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं, जिससे लाभ की बजाय हमें हानि होती है, और योग को हम अच्छे से समझ नहीं पाते। डॉक्टर विजाता, यहाँ मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए योग करते वक्त? देखिए, योग को केवल मात्र आसन समझ लेना हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अष्टांग योग जो पतंजलि का है, उसमें 8 अंग बताए हैं, और भी बहुत सारे इसके आयाम हैं, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर ग्रंथ भी लिखे हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा डिटेल में विस्तृत वर्णन नहीं करना चाह रही हूँ।
मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि योग कैसे आपकी मदद कर सकता है अगर आप इसको ठीक ढंग से करें तो। कुछ गलतियाँ हम अक्सर कर बैठते हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि योग को केवल मात्र आसन समझ लेना कि आसन करने से हम ठीक हो जाएंगे। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें जो यम नियम हैं ये हमारे जीवन के एक कर्तव्य हैं या हमारे जीवन को चलाने वाला प्रोटोकॉल है। जैसे हमें कोई गाड़ी मिलती है उसके साथ एक प्रोटोकॉल दिया जाता है, एक मैनुअल दिया जाता है कि आपको इस गाड़ी को इस तरह से चलाना है। लेकिन जब हमें ये मानव जीवन मिला तो हमें कोई ऐसा मैनुअल नहीं मिला। अगर मैं ये कहूँ कि पातंजल योग दर्शन अगर आप पढ़ लें या इस अष्टांग योग का पालन आप कर लें तो आप इस मैनुअल को समझ जाएंगे कि हमें ये गाड़ी मिली है, ये शरीर मिला है, और ये शरीर हमें मिला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ करने के लिए। इन चारों पुरुषार्थों को हम योग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। न तस्य रोगो न जरा न व्याधि प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जिसके शरीर ने योग की अग्नि को प्राप्त कर लिया उसको न मृत्यु होगी, न बुढ़ापा होगा, न शोक होगा, वो सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें हम योग के बारे में सुन सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन योग केवल मात्र हमने अपनी बॉडी को इस तरह से ढाल लिया कि हम हैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं, इतना तक सीमित नहीं है। ये हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को, हमारी सोल को पूरी तरह से हील कर देता है। योगी व्यक्ति हमेशा शांत रहना की कोशिश करता है या रहता भी है। और इसके लिए सावधानियां क्या होनी चाहिए ये मैं आपको बड़ा डिटेल से समझा देती हूँ। योग करते हुए सबसे पहला काम है, एक तो अभी आजकल क्या हो रहा है, होम आपके घर में योग सिखाने वाले लोग आ रहे हैं और ये बहुत बड़े लेवल पे मैं देख रही हूँ। जैसे मेड होती हैं, इस तरह से आजकल योगी लोग आपके घर पे आकर के योग सिखा रहे हैं। किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन मैं इसको ठीक नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि योग एक बहुत अच्छी विद्या है, एक कला है। इसको हमें जाकर के गुरु के पास ही सीखना चाहिए। कोशिश तो यही करें कि जहाँ पर भी आप आसन प्राणायाम करें, खुली जगह हो, किसी भी तरह के बंद कमरे में, बंद हॉल के अंदर योगासन प्राणायाम ना करें। सर्दियों के अंदर थोड़ा बहुत हम कवर कर सकते हैं, लेकिन गर्मियां हैं आजकल, तो अंदर किसी भी हॉल के अंदर, कमरे के अंदर योगाभ्यास ना करें, खुली हवा में करें। योगाभ्यासी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। कई बार हम 9 बजे 10 बजे उठ करके योगाभ्यास कर रहे हैं। मैंने तो देखा है लोग 2 बजे 3 बजे क्लास ले रहे हैं, शाम को 4 बजे 5 बजे कर रहे हैं। धूप है, धुआं है, पॉल्यूशन है, ऐसे माहौल में कभी भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। उसका लाभ की बजाय हानि ज़्यादा हो रही है। योगी व्यक्ति को अल्पाहारी होना चाहिए। योग करते हैं आप, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो आपकी भूख बढ़ती है, जठराग्नि बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में कोशिश ये करें कि आपको अपनी भूख को सात्विक आहार से पूरा करें। उसमें फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित अन्न, दूध, दही, छाछ, ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। किसी भी तरह से मांसाहार है, अंडे हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, गरिष्ठ भोजन है, बासी भोजन है, ये योगी को बिल्कुल भी अपने आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठ करके योग करें, अल्पाहारी बने, आपका पेट साफ हो गया हो। ये जरूर ध्यान दें कि सुबह जब भी आप योगाभ्यास करते हैं तो आपका पेट साफ हो जाना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है और आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो कई बार आपका सिर भारी हो जाएगा, वॉमिटिंग फीलिंग होगी, चक्कर आएगा। सूर्य नमस्कार करते हुए हमारे यहाँ कई बार साधक गिर भी जाते हैं, कहते हैं एकदम से पीछे झुके तो चक्कर आ गया, क्योंकि जब आप पीछे झुकते हो तो गैस अचानक से आपके सिर के अंदर चली जाती है और कहीं हमारा सिर घूम जाता है। इसलिए रोगों के अकॉर्डिंग भी करना है कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन सा आसन करना है, कौन सा नहीं करना है, किसको फ्रंट बेंडिंग नहीं करनी है, किसको बैक बेंडिंग नहीं करनी है, ये जरूर ध्यान रखें। तो रोगों के अकॉर्डिंग करें। मैं आजकल जो इतने ज़्यादा योग शिक्षक हैं, लोग फ़ोन पे देख करके ऑनलाइन योग सिखा रहे हैं, मैं कहती हूँ फिजिकली अगर आप जाकर के योग गुरु के पास जाकर के योग सीखेंगे आपको लाभ कई गुना ज़्यादा मिलेगा।
आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानियां रखनी है, ये सब आपको सीखने को वहाँ मिलेगा। बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, जो गलतियाँ हम अक्सर करते रहते हैं। आज मैं ऐसी ही छोटी छोटी बातों को आपको बताने वाली हूँ कि सुबह जब आप उठें, पानी पिएं, पानी पी के फ्रेश हो लें और अपने जो नित्य क्रम, आपका जो रूटीन वर्क है, आपको शौच जाना है, आपको नहाना है। कई बार ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि नहाना हम योगाभ्यास से पहले करें या बाद में करें, क्योंकि पसीना आ जाता है। हमेशा नहाना आपको आसनों से पहले चाहिए, और नित्य कर्म आपका ब्रश करना है, नहाना है, शौच जाना है अपना, उससे फ्री हो करके पानी पी करके उसके बाद आप योगाभ्यास करें। योगाभ्यास से पहले अगर थोड़ी बहुत वीकनेस फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही है, कमजोरी फील हो रही है, तो एक ग्लास नींबू पानी, शहद या आंवला एलोवेरा जूस ले लें या नारियल पानी ले लें, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं, और उसके भी 20 मिनट बाद आप योगाभ्यास शुरू करें। कम से कम लिक्विड लिए हुए भी आपको 20 मिनट्स हो गए हों, उसके बाद शुरू करें। कई बार ये क्वेश्चन होता है कि क्या आसन प्राणायाम हम जब कर रहे हैं बीच में प्यास लगती है तो क्या पानी पी सकते हैं, ज़्यादा पानी पीना है, कम पानी पीना है? 20 मिनट पहले मैंने बताया कुछ भी लिक्विड आप ले सकते हैं, 20 और बीच में अगर आपको तेज प्यास लग रही है तो घूट घूट करके थोड़ा पानी पिए, एकदम से ज़्यादा एक एक दो दो ग्लास पानी नहीं पीना है, बीच में पानी पी सकते हैं। लास्ट में भी जब हमारा आसन प्राणायाम खत्म हो जाता है उस समय भी 20 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना भी नहीं है और नहाना भी नहीं है। शरीर के ऊपर जो पसीना आए उसका क्या करें फिर? अभी आप नहा लिए पहले, उसके बाद आपने योगाभ्यास कर लिया, उसके बाद जो शरीर पे पसीना आया उससे आप अपने बॉडी की मसाज कर लें। सर्दियों में तो हम ऑयल मसाज कहते हैं कि आप योगाभ्यास करने के बाद ऑयल मसाज करें, सर्दियां हैं तो। आजकल गर्मियां हैं, पसीना आ रहा है, तो पसीने का क्या करें? वो पसीना आपकी बॉडी के अंदर चमक बना देगा, एक अपने आप में आपके अंदर कांति आती चली जाएगी। उस पसीने से ही आप अपनी बॉडी की धीरे धीरे पूरे शरीर की मसाज कर लें। मसाज करने के बाद आप नहा सकते हैं आधे घंटे बाद। योगाभ्यासी को अल्पाहारी होना चाहिए और किसी भी तरह से नॉनवेज का या अंडों का प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए। भोग के साथ योग नहीं चलता। मैं अक्सर देखती हूँ घरों में बार बने होते हैं, होम इंस्ट्रक्टर आ रहा है घर में योग सिखाने के लिए, रात को ड्रिंक भी की जा रही है और सुबह उठ करके योग भी किया जा रहा है, लाभ उनको भी मिल रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसकी वजह से। हम इधर तो भस्त्रिका कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, हमारे लंग्स हो गए एक्टिवेट। एक बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला आदमी, उसको इतना नुकसान नहीं हो रहा, उसके साथ जो व्यक्ति बैठा है और उस धुएं को ले रहा है और वो योगाभ्यासी है तो उसके फेफड़े जल्दी कैच करेंगे क्योंकि वो साफ है। उसके फेफड़ों के ऊपर धूल धुआं पॉल्यूशन का, नॉनवेज का, स्मोक का असर ज़्यादा होगा क्योंकि हमारे लंग्स क्लियर हो चुके, आपकी गले की ग्रंथियाँ एकदम साफ हो चुकी हैं, आपका पेट पहले से ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी का हो चुका है। तो गलत जो चीज़ें हैं, जैसे हम थोड़ा भी गंदगी डालते हैं तो सफ़ेद कपड़े के ऊपर दाग जल्दी दिखाई देता है जो साफ सुथरा है, गंदे कपड़े के ऊपर आप कितना भी गंदगी डालते रहो इतना दिखाई नहीं देता। इसलिए योगाभ्यासी को इन विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, इसके बारे में मुझे बहुत कई बार ऑनलाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, क्या हमें योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, गृहस्थी हैं हम तो, शादीशुदा लोग हैं हम लोग, कैसे करें? तो महीने में कितनी बार हम लोगों को समागम या सेक्स करना चाहिए, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो इसके बारे में महीने में अगर एक बार हो तो ज़्यादा अच्छा है, या दो बार, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग जो आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी भोजन खा रहे हैं उससे हमारी धातुएं बन रही हैं, रक्त, रस, मांस, मज्जा, मेद, शुक्र और वीर्य। इसमें से जो हम 40 दिन खाते हैं उससे हमारा वीर्य बनता है, पुरुषों के अंदर वीर्य बनता है और लेडीज के अंदर शुक्र बनता है, ओज बनता है, और उसके बाद हमारा वो ओज हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। जब हम बीच में ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं और आसन प्राणायाम भी कर रहे हैं
तो वो हमारे शरीर के भीतर से रक्त, रस, मांस, मज्जा, में अस्थि ये सब क्षीण होनी शुरू हो जाती हैं। सारी धातुएं हमारे शरीर क्षीण होने शुरू हो जाती हैं। योगी व्यक्ति रोगी महसूस होता है, देखने में आप कह नहीं सकते कि ये योगी है, उसके चेहरे की आभा खत्म हो जाती है, शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है, सिर से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, आंखों पे मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं। ऐसा उन योगियों के साथ होता है जो भोग और विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, आप गृहस्थ में रह करके भी ब्रह्मचर्य का पालन करें अगर आप योग कर रहे हैं साथ में। ब्रह्मचर्य का पालन मैं सभी के लिए बोलती हूँ कि गृहस्थ में भी आपको इसको एक लिमिटेड ही रखना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। वीर्य का ज्यादा नाश हमारे लिए मौत का कारण हो जाता है, बहुत बड़े बड़े रोगों को जन्म देता है। सुबह जल्दी उठ करके योग करें, धूल धुआं पॉल्यूशन में ना करें, खाली पेट करें, नहा करके करें, ब्रह्मचर्य का पालन रखें जिस समय आप योग करते हैं, ये सारी सावधानियां। और जब भी आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उससे पहले और उसके जस्ट बाद आपको टॉयलेट के लिए जरूर जाना चाहिए। आपको मोशन हो रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए, किसी भी तरह का आपको वेट। कई बार हम क्लास में बैठे होते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि अभी यूरिन की इच्छा हो रही है जाने की, फिर भी हम थोड़ा बहुत 5-10 मिनट उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। आपको जब भी ऐसा लगे, क्योंकि जब आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो बॉडी आपको डिटॉक्स करती है। अंदर से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो अंदर से विकार को निकाल करके बाहर करती हैं, और उसको निकालने का जरिया है पसीना और यूरिनेशन। तो इसलिए आपको जरूर जाना चाहिए उस समय अपना यूरिन डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर वो आपका पेट में रह जाता है तो गंदगी पेट के अंदर ही पड़ी रह जाती है। आफ्टर आसन और प्राणायाम आपको यूरिनेशन के लिए जरूर जाना चाहिए, और उससे पहले भी जरूर जाना चाहिए। फिर हम जैसे ही वॉशरूम होकर के आए तो कई बार हाथ धो लेते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग वहां से आते ही वॉशरूम के अंदर हाथ धोते हैं। तो हैंड वॉश उस टाइम आप बिल्कुल ना करें। आपकी बॉडी गर्म होती है उस समय तुरंत आपको हाथ भी नहीं धोने हैं। नहाना तो दूर की बात है, आपको हाथ भी अपने गीले नहीं करने हैं। कम से कम 10-15 मिनट के बाद ही आपको अपने हैंड वॉश करने हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है जिसको हम ध्यान देना है, क्योंकि हम जैसे ही आसन प्राणायाम करते हैं हंसते हैं, जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। ये एक साधना है, आसन प्राणायाम की साधना है। शुरू में 8 साल तक के बच्चों को नहीं करना चाहिए कोई भी कठिन अभ्यास। छोटे मोटे आसन, दौड़ना भागना, वो करना चाहे अपनी मर्जी से तो करवा सकते हैं। जोर जबरदस्ती से 8 साल तक के बच्चे को कोई भी आसन ना करवाएं। 8 साल से 16 साल तक वो लोच वाले आसन, जिससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बने, ऐसे आसन उन बच्चों को करवाने चाहिए। 16 साल से लेकर के 24 साल तक ज्यादा ताकत वाले आसन, जैसे हैंड स्टैंडिंग है, हैंड बैलेंसिंग है, या मयूर आसन है, शरीर में ताकत बढ़ाने वाले आसन आपको करने चाहिए, शीर्षासन है। ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनको आपको फोर्स नहीं करना कि आपको ये आसन। मैं आजकल देख रही हूँ कॉम्पिटिशन के नाम पर भी कई बार बच्चों के अंदर इंजरी आ जाती है। छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ की हड्डियाँ कमजोर होती हैं, और वो हैंड स्टैंडिंग शुरू कर देते हैं, इससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। हाइट रुकने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि छोटी उम्र में हम हैंड बैलेंसिंग कर रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा ताकत वाला आसन कर रहे हैं, तो उससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है, हाथों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। तो ये किसी के जीवन के साथ खेलना नहीं है। हमें योगाभ्यास आप कर रहे हो, लेकिन छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि उसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, हाथ की हड्डियाँ मुड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो ताकत वाले आसन हैं वो 16 साल के बाद शुरू करें, 24 साल तक, 24 साल से आगे 32 साल तक जो भी कुछ सीखा है 32 साल के बाद उसको आप मेंटेन रखें। लचक बनाने का, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का जो टाइम है वो 32 ईयर्स तक का है। उसके बाद भी अगर आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी जरूर, लेकिन बचपन में जो होता है, जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट बॉडी में हो जाती है, वो बड़े होकर के नहीं होती। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, बच्चों को भी धीरे धीरे चलाएं। एक ही दिन में हम क्या कोशिश करते हैं, मुझसे पूर्ण भुजंग आसन हो जाए, मुझसे
मत्स्य आसन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पश्चिमोत्तान आसन हो जाए, उसके लिए टाइम लगेगा, धीरे धीरे अभ्यास करें। पहले दिन थोड़ा किया, फिर उसके बाद और बढ़ाया, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि योगा अभ्यास मुझे जब तक मैं ठीक नहीं होता हूँ किया। रोगों को ठीक करने के लिए मोस्टली आजकल सभी लोग योगा अभ्यास कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा मोटो था मोक्ष को प्राप्त करना, और एक फॉरेन की लेडी आई भी थी यहाँ पे, जब उसको पूछा गया कि क्यों आप योगा अभ्यास सीखना चाहती हैं, तो वो बोली आई वांट टू गेट मोक्ष। वो लोग मोक्ष के लिए इंडिया आना चाहते हैं कि हम यहाँ आकर के योग सीखेंगे, इस विद्या को जानेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग अभी शरीर को ठीक रखने के लिए ही योगा अभ्यास करना चाहते हैं। तो उनको मैं ये कहूँगी, वो कहते हैं कितने दिन करें, मुझे महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अब तो मैं छोड़ दूँ। योग छोड़ने वाला प्रोसेस नहीं है ये, तो जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हो तब तक करो। 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम है ये, तो हर स्वस्थ व्यक्ति को भी, बीमार को भी, हर कंडीशन में, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, हर व्यक्ति को अपने लिए समय निकालना है योग करने के लिए। योगाभ्यास के लिए जो भी आपको अभी बातें बताई हैं, इसमें बहुत सारी बातें अभी और भी शामिल हैं। उम्र का मैंने बताया है आपको कि एज, कौन सी एज में कौन से आसन आपको करने चाहिए। एक होता है कंपटीशन वाले आसन, एक उपचारात्मक आसन। जो भी व्यक्ति बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इंटरनली, तो उसको हम कठिन आसन बिल्कुल भी ना करवाएं। बहुत धीरे धीरे, स्लोली प्राणायाम से शुरुआत करवाएं, सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करवाएं, प्रेयर के साथ शुरुआत करवाएं, शांत मन से शुरुआत कराएं। तो ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो हमारी दिनचर्या है पूरे दिन भर की, वो भी एक सात्विक होनी चाहिए, सात्विक खान पान। कई लोग कहते हैं जी, अब हम अगर कंपटीशन की तैयारी बच्चे घरों में कर रहे हैं तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, या कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको योगाभ्यास के साथ कैसी डाइट रखनी चाहिए। जो बच्चे कॉम्पिटिशन में खेल रहे हैं उन बच्चों को अंकुरित दालें, चना, मूंग, मोठ, मूंगफली और सोयाबीन, इनको रात को सोख करें पानी में, और अंकुरित करने के बाद दूध के साथ सुबह सेवन करें। ये सबसे पौष्टिक, मैं कहती हूँ नॉन वेज भी फेल है इसके सामने, इतना हाई प्रोटीन डाइट है ये आपकी। और जो लोग अंडे खाते हैं, मांसाहार करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर वो मांसाहार और अंडे छोड़ करके अंकुरित दालें और दूध लेना शुरू कर दें। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, प्रोटीन से आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, और वीकनेस खत्म हो जाएगी सारी। तो इन बच्चों के लिए जो खिलाड़ी हैं योग के, उनको ऐसी डाइट दें, केले दें, दूध दें, दही दें, लस्सी दें। तो ऐसे जो डाइट है वो खिलाड़ियों के लिए है। और जो रोगी हैं, जिसको शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए पतली मूंग की दाल, जौ की रोटी, सलाद, सब्जियां, फल, जूस, ये सब हम उनको दे सकते हैं। रात को सोते हुए मोटे मोटे गद्दों पे ना सोएं, मोटे मोटे तकिए इस्तेमाल ना करें, कोशिश ये करें योगाभ्यासी नीचे जमीन पे, दरी पे सोएं। बहुत ज़्यादा तंग कपड़े पहन करके योगाभ्यास ना करें, बहुत ज़्यादा लूज कपड़े पहन करके भी योगाभ्यास ना करें। लड़के हैं, जब भी वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो अंदर लंगोट का इस्तेमाल जरूर करें, और लड़कियां हैं वो एक अच्छी स्पोर्ट्स ब्रा का इस्तेमाल करें योगाभ्यास करते हुए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपको योगाभ्यास से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और योगाभ्यास हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो 80 साल का है, 100 साल का है। लेकिन एक कहावत मैं अक्सर बोलती हूँ कि सारे खेल जवानी के, लेकिन योग चलता है जीवन भर। जवानी में आप कठिन अभ्यास करें, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए आप हल्का अभ्यास करें। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है बचपन से, तो आप बाद में बड़ी उम्र में भी अभ्यास को अच्छा रख सकते हैं। बाकी योग के बिना आजकल चाहे आप कितनी दवाइयां खा लें, कितना भी हॉस्पिटल चले जाएं, कितना भी आपके पास पैसा हो, मुझे नहीं लगता कि स्वस्थ रहना आज के समय में संभव है। ये हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, इसको आप एडॉप्ट कर लें, अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लें, तो आपका जीवन बहुत ही सुखदायी हो जाएगा। और शायद अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो मैं नहीं बता पाई हूँ, जब भी कभी याद आएगा तो फिर दोबारा कभी एक बार शूट कर लेंगे, क्योंकि योग के ऊपर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई जा सकती है, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, तो इतना समय होता नहीं है। लेकिन मोटी मोटी जो बातें आज मैंने आपको बताई है, इनका आप पालन करें। योगाभ्यासी को
गुस्सा नहीं आएगा, मन शांत रहेगा, उसका शरीर के अंदर वात पित्त कफ तीनों दोष हमेशा बैलेंस में रहेंगे। और साथ साथ इसकी अगर प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास भी हम साल में एक बार दो बार कर लें तो योग का मजा कई गुना दुगना हो जाता है, कई गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा इंटरनली सिस्टम क्लीन हो जाता है। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई मेंटेन है, किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो योगाभ्यास उसको जरूर करना चाहिए स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए। और बीमार हो गया है तो साथ में प्राकृतिक चिकित्सा चलाएं और साथ साथ योगाभ्यास भी करें, दोनों चीजों की आवश्यकता पड़े। डॉक्टर विजाता, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।